सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है कौन ने वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं अपकमिंग टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ, टीवीएस अपाची आरटीआर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो और ये न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 310 न्यू बाइक लॉन्च होने वाला है, तो इसी का आज मैं फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। क्या माइलेज देगी, क्या प्राइस रहेगा और इसकी जो क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा और कब तक ये लॉन्च होने वाली है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको अभी पता चलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टा में फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये अभी तक कंपनी के तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, बट Zigwheels.com के थ्रू के तरफ से ये पता चला है कि ये TVS RTR 310 2023 में 2023 में मार्च से लेकर अप्रैल तक में 3 से 4 मंथ में ये लॉन्च हो सकती है। और ये बाइक जो रहेगी 300cc का रहेगा, जो कि नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट्स की बाइक है। और ये बाइक TVS RR 310 के ऊपर बेस्ट रहेगी, उसी की इंजन आपको देखने को मिलेगा RR 310 में जो रहती है। और इसमें इंजन आपको 312.2 cc का इंजन मिलेगी, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगी, जनरेट करेगी 34 PS एट द रेट 9700 RPM आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मैं बात करूँ इसकी टॉर्क की, तो टॉर्क निकालेगी ये 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये निकालेगी, जो कि 7700 RPM के साथ आएगी। और इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरी आपको डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। और इंजन टाइप की अब हम बात करें तो इसमें आपको SI 4 स्ट्रोक 4 वेल सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि लिक्विड कूल्ड रहेगा और रिवर्स इंक्लाइंड आपको मिलेगी। और बात करते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 11 से लेकर 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, जो कि माइलेज प्रोड्यूस करेगी अप्रॉक्स 25 to 30 किलोमीटर का ये माइलेज देगी। और बात करते हैं इसके गेयरबॉक्स की, तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाएगा। और बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। और 4 या 5 इसमें आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलेगा। राइडिंग मोड्स की बात करें तो इसमें आपको ट्रैक मोड मिल जाएगा, रेन मोड मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा और अर्बन मोड आपको देखने को मिलेगा। ये चारों मोड में आपको जो टॉर्क और इसकी जो कैपेसिटी और इसकी जो पावर है उसमें आपको थोड़ी कम, किसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि नेविगेशन के साथ आएगी। और इसकी जो टॉप स्पीड रहने वाली है वो 160 किलोमीटर की टॉप स्पीड रहेगी। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्या रहेगी इसकी प्राइस, तो एक शोरूम अभी पता चल रहा है कि जहाँ तक मुझे लगता है अप्रोक्स इसकी एक शोरूम प्राइस रहेगी वो 2,40,000 के अप्रोक्स ही इसकी प्राइस जो है एक शोरूम रहने वाली है। और बात करते हैं इस गाड़ी की माइलेज की, तो ये माइलेज देगी 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर। और ये TVS RTR 310 के कम्पीट करने वाला WG 30 310 R है से 20 से 25 हज़ार कम रहेगा। यानी कि ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा TVS RTR 310 है वो BMW G310R से 20-25 हज़ार कम रहेगा। और ये बाइक होंडा CB300F, बजाज डोमिनार 400 और KTM ड्यूक 390 से कम्पीट करेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्पीट करेगी TVS अपाची RTR 310। और ये आपको बाइक कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। 3 से 4 मंथ में ये हो सकती है कि ये लॉन्च हो जाए, मार्केट में ये आ जाए। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कम्पीट करेगी ये मार्केट में आपके, जैसे कि ड्यूक हो गया, KTM के ड्यूक हो गया, 390 हो गया, बजाज के डोमिनार हो गया, CB300F हो गया होंडा के, वैसे ही कम्पीट करेगी। और इसमें आपको फीचर्स भी एक से एक देखने को मिल जाएगा, एलॉय व्हील भी दे दिया गया है। और इसमें जो मैं बात करूँ तो इसमें आपको TFT कंसोल मीटर मिल जाता है, जो कि और वहाँ से आपको राइडिंग मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाएगा हैंडल बार पे ही। और सारा इसमें आपको सिस्टम भी नहीं मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। और ये गाड़ी जो है, ये बाइक जो है नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है, जो कि काफ़ी बोल्ड लुक में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इसमें 2-3 कलर आए, जो कि एक वाइट कलर मिल जाएगा, एक रेड कलर और एक और कलर आपको देखने को उस पर मिल जाएगा। और ये जो माइलेज प्रोड्यूस करेगी मैं बता दिया 20 to 25 किलोमीटर। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस रहने वाली है वो 2,40,000 के एक शोरूम रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो आप इसे ले सकते हैं, आप अगर आप इसे वेट करना चाहते हैं तो 3 से 4 मंथ के अंदर ये हो सकती है लॉन्च हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये TVS अपाची RTR 310 भी आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय।